हाउ वी कैन रेज चिल्ड्रन विद बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकते हैं इमोशनल विद अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। हाँ देखें, यहाँ पर बच्चों की इंटेलिजेंस पे काम करने से पहले तो हमें पहले बीइंग अ पेरेंट खुद अवेयर होना पड़ेगा कि मुझे अपनी पहले समझ हो कि मुझे किस वक्त गुस्सा आता है, मुझे किस वक्त चीज़ें बुरी लगती हैं। अगर मुझे यही नहीं पता, मैं एनवायरनमेंट के साथ बार बार ट्रिगर होकर अपने बच्चों पे रिएक्शन भी कर रही हूँ, तो मैं इसका मतलब खुद ही अवेयर नहीं हूँ। तो पहले तो बीइंग अ पेरेंट मुझे खुद पहले अपने बारे में अवेयर होना चाहिए, मुझे अपनी अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस को मुझे पहले इम्प्रूव करना चाहिए। रही बात बच्चों की किस तरह से फ्रॉम देयर चाइल्डहुड हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं कि देखें, जब आप इमोशंस बच्चों के पिक नहीं करेंगे तो आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा सकते। कहीं ना कहीं हम बहुत जगहों पर बच्चों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि वो इमोशंस को हाइड करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, वो अगर उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो हमें आके बताता है या हमें कहीं से पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, शायद मारना भी शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसे एक हिडन मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें तो मिस्टेक करनी ही नहीं है, मिस्टेक करना तो बहुत ही बुरी बात है। तो उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा, उससे कभी भी मिस्टेक होगी वो हाइड करेगा। वो उसके वक्त जो मिस्टेक करने के बाद जो वो इमोशंस खुद भी फील कर रहा है, हमने वो एड्रेस ही नहीं किए। हम कभी भी गलती करते हैं तो उसके बाद इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन ना, कि हमें खुद भी पता होता है कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने तो बहुत गलत कर लिया है। हम ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट हम उस वक्त उसके उन इमोशंस को एड्रेस नहीं करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज बच्चे को दे देते हैं कि आपके जो इमोशंस हैं दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो तभी हम हाइड करना शुरू कर देते हैं, हमें उनको मैनेज करना नहीं आता, हम उसे अकेला छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, वो खुद ही सफ़र कर रहा होता है और उसको स्ट्रेटजी ही नहीं बता रहे होते, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं बता रहे होते, तो किस तरीके से उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो आपको बीइंग अ पेरेंट बच्चे के इमोशंस को सबसे ज़्यादा देखें, सेल्फ अवेयरनेस एक की है इमोशनल इंटेलिजेंस की। अगर बच्चे को आप ये सिखा दें कि वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लें, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। आप बच्चों को छोटी उम्र में जो इमोशंस के चार्ट होते हैं हर तरह के इमोशंस के हवाले से, आप उसके बारे में उसको अवेयर कर सकते हैं, ये वाले इमोशंस क्या होते हैं, कब कब हम ऐसे इमोशंस फील करते हैं, और आप उसको एक सेफ रूम दें कि वो आपके साथ डिस्कस भी कर सके। आपको जब ये पता होगा, देखिए बीइंग अ पेरेंट हम भी तो उसी एज से गुजर के आए हैं, हम भी उसी एज से गुजरे हैं, हमें पता है कि जब हमसे हमको शरारत करते थे तो हमें कितना अच्छा लगता था, हम कितना एक्साइटमेंट फील करते थे। तो आपका बच्चा जब एक शरारत करता है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो उस वक्त एक्साइटमेंट फील कर रहा है। जैसे हम बीइंग अ चाइल्ड हम नहीं सोच रहे थे उसका नुकसान होगा, हमें डांट पड़ेगी या क्या होगा, तो हम वो शरारत करते हैं एक्साइटमेंट की वजह से। तो बच्चा आपके सामने भी सेम चीज़ें बिहेव कर रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एक्साइटमेंट, देन आप उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आप उसे गाइड करें। आप गाइडनेस नहीं देते तो आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा पाते। तो ये एक लॉन्ग टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिर कभी इस पर डिटेल में बात भी कर सकते हैं कि आप बच्चों की स्पेसिफिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं।